हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल जेवी गैलेक्सी। और आज मैं ले आई हूँ आप सबको आईसीयू के एकदम सामने। तो आज है मेरी ड्यूटी आईसीयू में और मैं हो चुकी हूँ थोड़ी सी लेट। तो अभी हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आईसीयू में जाएंगे और अपनी ड्यूटी देंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने शूज़ निकाल देंगे, क्योंकि हम शूज़ पहन के अंदर नहीं जाते हैं, बिकॉज इट कैन गिव अ इन्फेक्शन टू द पेशेंट। सो अभी हम पहले अपने शूज़ उतारेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकी लोगों ने भी शूज़ रखे हुए हैं, तो अभी हम यहाँ पे जल्दी से अपने शूज़ उतार के और हम अंदर एंटर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग सिस्टर जी। सिस्टर जी हेलो बोल दो। हेलो। सो ये है हमारा रूम जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं जब भी फ्री होते हैं। तो यहाँ बैग्स वगैरह भी रखते हैं हम लोग। तो अब हम आज है मेरी ड्यूटी आईसीयू में। तो अब मैं आईसीयू पहुंच गई हूँ और अभी हम जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम आईसीयू में एंटर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारा आईसीयू में क्या क्या काम होता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप। ओके, मैं मिलती हूँ अब आपको अंदर आईसीयू में। सो गाइस, मैंने अभी चेंज कर लिया है। तो अब हम जाएंगे आईसीयू में अंदर और मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर आईसीयू में अभी इस टाइम हमारे पास आईसीयू में अंदर काफ़ी 3-5 या 4 पेशेंट हैं। तो अभी हम आज वैसे भी मंडे है, तो आज बहुत सारा काम होगा। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ अब अंदर। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है हमारी एंट्री और आईसीयू की। सो अब हम करेंगे अंदर एंटर। और हमारे आज हैं पूरे के पूरे 6 के 6 पेशेंट्स। तो ये है हमारा पहले नंबर का पेशेंट, ये है हमारा सेकंड नंबर पेशेंट बेड नंबर 2, और ये हमारा है थर्ड नंबर पेशेंट बेड नंबर 3, और ये है हमारा 4 नंबर पेशेंट। इसको अभी 14वां दिन हो गया है आज आईसीयू में, बेचारा जल्दी ठीक हो जाए। और ये है हमारे 5 नंबर पेशेंट, इनका भी कोई 5वां दिन है इनका। और ये है हमारा 6ठा पेशेंट, इनका भी 2रा दिन है आईसीयू में। सो गाइज, मेरा ये होता है यहाँ से फॉर्म भरने का सेशन शुरू, क्योंकि आज जाने हैं सैंपल। तो मैं जल्दी जल्दी सारे फॉर्म्स भर दूंगी और अभी हम जल्दी जल्दी फॉर्म भरूंगी। तो हमारे ऐसे तो हमारे आज ब्लड, यूरिन, ABG सब फॉर्म जाएंगे। तो अभी मैं ABG के फॉर्म्स भर रही हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सारे फॉर्म्स भर दूंगी। तो अभी मैं जल्दी फॉर्म भरती हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ। सो ऑलमोस्ट मैंने सब फॉर्म्स भर दिए हैं। अब मैं बनाऊंगी चिट्स पेशेंट्स के लिए। तो ये चिट्स किस काम के लिए आते हैं, जैसे हम पेशेंट का हम सैंपल लेते हैं, तो जो ट्यूब होगा, यूरिन का ट्यूब होगा, तो उसके ऊपर हम ये पेशेंट का चिट लगा देंगे, उसके नाम का और उसके CR नंबर का, ताकि हमारा जो सैंपल है उसका अदला बदली ना हो। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से सेफ्टी फीचर हो गया, कि हमने मतलब सैंपल्स को इंटरचेंज होने से बचाना है, तो हम ये चिट्स लगा देते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी चिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ रही हूँ बेड नंबर 5 की चिट्स। बाकी मैंने थोड़ी बहुत चिट्स बना भी ली हैं, तो अभी मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी बेड नंबर 5 की चिट्स। उसके बाद फिर बाकी पेशेंट्स की भी, उसके बाद बेड नंबर 2 की चिट बनानी है, और ऑलमोस्ट उसके बाद मेरे चिट्स का सेशन खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं करूँगी सैंपल लेने का काम। तो चलिए जल्दी चिट्स बनाते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो हमने भेजे थे उसके साथ अब हमारी ट्यूब्स भी आ गई हैं, जिसमें हमने पूरे फॉर्म्स लेने हैं। तो यूरिन ट्यूब भी आ गई है, ब्लड कल्चर के लिए भी हमारे पास आ गया है। तो अब हम लेंगे जल्दी जल्दी सैंपल्स, उसके बाद फिर हम इन सैंपल्स को भेज देंगे लैब के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपने सैंपल लेने का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं ले रही हूँ बेड नंबर 6 के सैंपल्स। तो अभी मैं पहनूंगी ग्लव्स, और ये ग्लव्स एकदम स्ट्राइल वे से पहनने होते हैं। बाकी मैं भी वॉश होके आ गई हूँ। वॉश होने का मतलब है कि एकदम से अपने हैंड वॉश करने होते हैं, 5 मिनट तो देना होता है हैंड वॉशिंग के लिए। तो वो वॉश करके उसके बाद अब मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब ये ले लिया है मैंने म्यूकस एक्सट्रैक्टर, और इससे मैं ले रही हूँ एंडोट्रैकियल ट्यूब का सैंपल। तो ये सैंपल जाएगा लैब के लिए उसके बाद। तो ये देखिएगा, सक्शन के थ्रू मैं इसकी ट्यूब से सैंपल ले रही हूँ। और अभी और ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें सैंपल आ चुका है, और ये जाएगा लैब में डिटरमाइन होने के लिए कि इसमें कुछ है तो नहीं। और उसके बाद अब हम लेंगे फीमोरल सैंपल, ताकि ये है ब्लड कल्चर का हमारा सैंपल। तो इसमें हम पहले क्लीनिंग कर लेंगे, जिस एरिया से हमने सैंपल लेना है हम वो एरिया क्लीन कर लेंगे। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टरी को, यहाँ पे हमारी फीमोरल आर्टरी होती है, तो हम उसे फील करेंगे।
सो वेन वी गेट फील, तो जब हमें आर्टरी फील हो जाती है तो हम 10 ml का सिरिंज लेके वैसे तो हम 90 डिग्री पे चले जाते हैं, तो फिमोरल आर्टरी के 1 cm लेटरल एक वेन होगा, उसमें हमने जाना है, हमने आर्टरी में नहीं जाना है. सो जहाँ पे हमें आर्टरी फील होगी उसके 1 cm लेटरल हम अपना सिरिंज लेके जाएंगे, और जैसे ही हमारा जो सिरिंज है वो हीट करेगा उसे तो इसी सिरिंज में एकदम से ब्लड आ जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी सिरिंज में ब्लड आ चुका है, इट मीन्स और ये सैंपल आ गया है, और अब ये सैंपल मैं लेके ले लूंगी और ये सैंपल आएगा फिर लैब के लिए. और गाइस जिस एरिया से हमने सैंपल लिया होता है वो एरिया एकदम से छोड़ना नहीं होता है, तो या हम उस एरिया को दबा के रखते हैं ताकि वहाँ से ब्लड ना आए. और अब हम लेंगे यूरिन का सैंपल. सो वैसे तो हम यूरिन का सैंपल फोलिस से लेते हैं, बट मैंने ये फोलिस क्लैंप नहीं किया था तो मैं यहीं नीचे से सैंपल ले लूँगी. तो पहले हम उसे करेंगे क्लीन जिस एरिया से हमने लेना है, तो जैसे कि मैं अभी क्लीन कर रही हूँ. उसके बाद हम इसे क्लीन करने के बाद हम लेंगे 5 ml का सिरिंज. सो या मैंने भी 5 ml का सिरिंज ले लिया है, और उसके बाद हम इस यहाँ से ले लेंगे 1 ml, ऑलमोस्ट 1 ml तक हम यहाँ से यूरिन निकाल लेते हैं और उसे यूरिन ट्यूब में डाल के हम उसे सैंपलिंग के लिए भेज देते हैं. सो या मेरी सिरिंज में अभी यूरिन आ गया है और फिर ये जाएगा अब सैंपलिंग के लिए, और मैंने ये यूरिन ट्यूब में भी डाल दिया है, और आप देख सकते हैं कि चिट लगा यूरिन ट्यूब पे ताकि सैंपल्स का इंटरचेंज ना हो. और आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लड का, यूरिन का हमने सारे सैंपल्स ले लिए हैं ऑलमोस्ट, और ये जाएंगे अब लैब के लिए. एक साइड है एक साइड है हमारा यूरिन का सैंपल और एक साइड है हमारा ब्लड का सैंपल, और ये जाएंगे अब लैब. और ये है मेरा ABG का सैंपल. एक्चुअली मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, बट ये हमारा ABG का है, और आप देख सकते हैं मैंने इस रेंज के ऊपर पेशेंट की चिट लगाया हुआ ताकि इसका इंटरचेंज ना हो. और ये जाएगा 101 नंबर पे, और ABG का मतलब है आर्टेरियल ब्लड गैस. और ये है हमारा वेंटिलेटर. अभी पेशेंट आने वाला है तो हम जल्दी क्या करेंगे, वेंटिलेटर की सेटिंग कर देते हैं. अगर पेशेंट अडल्ट है तो अडल्ट की तरह करेंगे, अगर वो बच्चा है तो बच्चे की तरह करेंगे. सो भी आप देख सकते हैं कि मैं जल्दी सेटिंग कर दूंगी, और उसके बाद फिर हम ये कैलिब्रेट भी करना होता है हमें पूरा. सो हेलो गाइस, मैं अभी रूम पहुंच गई हूँ और मैंने आपको अपने आज का पूरे दिन का आपको सब कुछ दिखा दिया. मतलब सब कुछ तो नहीं दिखाया, बट मेन मेन चीज़ थी जो मतलब जो मैं शूट कर पाई मैंने आपको दिखा दी, और मैं हर चीज़ अब शूट नहीं कर सकती हूँ. आई होप आप ये चीज़ समझेंगे, और आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को उतना ही प्यार दीजिए, मतलब थोड़ा और प्यार दे दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे. आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ फिर वीडियोज़ बनाती हूँ. तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अब मैं चली सोने हूँ कि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए. और तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए प्लीज़, और तब तक के लिए बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर.